हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज अपनी एक एक्सेसरी आ चुकी है गोप्रो की, तो इसको आइए अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने अभी गोप्रो 10 रिसेंटली परचेज करा है, तो इसके लिए कुछ एक्सेसरीज मैंने ऑर्डर करी हुई थी अमेज़ॉन से। तो दोस्तों, हमारी ये जो एक्सेसरी है, ये एक जॉ माउंट है। तो दोस्तों, ये जो हमारी एक्सेसरीज है, ये टेलीसिन का एक जॉ माउंट है, जो कि बाइक के हैंडल पे माउंट करने के लिए कैमरा को यूज़ होता है। तो कुछ ऐसा इसका ये पैकेट है, और आइए इसको खोल के देख लेते हैं। तो दोस्तों, अंदर कुछ ऐसा सामान है इसके, इसको एनवेलप को रख देते हैं साइड। तो दोस्तों, इसके अंदर एक ये पार्ट है और एक ये क्लैंप है। ये काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का क्लैंप है। पहले मुझे डाउट था कि लाइट सही होगा, बट काफ़ी हार्ड क्लैंप है और देखने में दोस्तों काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है। तो ये ऐसे करके हैंडल पे लग जाएगा और ये यहाँ पे लग के हम शॉट ले सकते हैं। ये ऐसे अटैच हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ये अटैच हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे कैमरा माउंट करके हम शॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी है ये एक्सेसरी। तो बताना मुझे कमेंट करके कैसी लगी एक्सेसरी आपको। तो फ्रेंड्स, ये क्लैंप मैंने लिया था यहाँ माउंट करने के लिए, बट यहाँ पे ऐसे पीछे वायर फंस गई है। चलो, खुल गई, बढ़िया। दोस्तों, यहाँ से ये वाला एंगल लेने के लिए मैंने ये ऑर्डर करा है। तो देखते हैं ये एंगल, जब ये चलेगा तो ये हिलेगा। ये देखो, हिल रहा है। इसका देखना पड़ेगा क्या करें। दोस्तों, मुझे था एक तो ये इधर यूज़ हो जाएगा मेरी फेस की तरफ करके एंगल लेने के लिए, और दूसरा ये यहाँ कहीं यूज़ हो जाएगा पीछे का एंगल लेने के लिए। बट यहाँ पे भी पाइप पतली है और ये हिलता है लगाने के बाद। ये देखो, ऐसे लगाने के बाद ये हिल रहा है, कोई बन नहीं रही बात सी सॉलिड ग्रिप की। देखो, यहाँ पे भी हिल रहा है। हिल रहा है ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भी हिल रहा है, बन
अंधेरी बात सी राइड पे तो काफी हिले गए, तो इसको वापस ही करना पड़ेगा अमेज़न पे गाइस। तो दोस्तों इसको कर रहा हूँ मैं वापस पैक, इसको रिटर्न करेंगे अमेज़न पे क्योंकि ये अपने काम का नहीं है, ले आ रहा है इसमें और कैमरे को भी तोड़ेगा ये, तो इस वजह से जिनकी मोटी हैंडल बार है उनके लिए परफेक्ट है ये दोस्तों, पतली हैंडल बार के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू।